योजना शर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से उजला गार्डन चैनल से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि मैं बार बार आप लोगों को कहती हूँ कि आइए चले और दैनिक की ओर, तो अगर मेरे वीडियो से एक परिवार भी मोटिवेट होता है, एक परिवार भी अगर इस विषय पर सोचता है अपने रोग मुक्त जीवन के लिए जहर मुक्त सब्जियाँ खाएँ और रोग मुक्त जीवन जिए, तो अगर एक परिवार भी अगर इस तरह से सोचता है तो मेरा वीडियो बनाना सफल हो गया। तो दोस्तों, आइए चलते हैं छत पे और करते हैं ढेर सारा काम और ढेर सारी सब्जियां हार्वेस्ट करते हैं। चलिए चलते हैं दोस्तों। राम राम। सुबह के 8 बजे हैं और मैं आई हूँ अपनी छत पे, जहाँ मैंने थोड़ी बहुत सब्जियाँ उगाई हुई है अपनी ज़रूरत की। कल मैं नहीं आ पाई छत पे। दोस्तों, सब्जियाँ तो आप पहचान ही रहे होंगे। खैर, ये हमारे नीचे जो छत है वो वाली है। कितनी सुंदर चना हुए हैं देखिए दोस्तों। दोस्तों, ये कंटेनर खाली होने वाला है। कल मैं इतना ज़्यादा व्यस्त थी कि मैं आ नहीं पाई, तो ये पालक हमारा जो बड़े बड़े हो गए थे तो उनको हमने काट छांट दिया। अब देखिए कितने सुंदर निकल रहे हैं। तो थोड़ी सी जानकारी होने पे हम चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, अगर मैं रायपुर में हूँ और मतलब अपने घर में हूँ, मतलब रायपुर मतलब अपने घर में, तो ऐसा कभी नहीं होता कि मैं छत पे ना आऊँ। मतलब 10 बार आती हूँ। कल पहली बार है जो मैं 24 घंटे में एक बार भी छत पे नहीं आ पाई। बहुत ज़्यादा व्यस्त थी। ये देखिए कितनी सुंदर इसमें पत्तियाँ निकल रही हैं हमारे बोगनवेलिया में। और जब हमने लगाया था तो ये ठूंठ था, लेकिन अभी बहुत सुंदर निकल रहा है। और हमारे ये टमाटर जो नीचे देखिए दिख रहे हैं, तो कल मैं आ नहीं पाई दोस्तों। बहुत मिस किया अपने गार्डन को, लेकिन बहुत ज़्यादा व्यस्तता थी। टमाटर हमारे कितने सुंदर फल रहे हैं देखिए। तो दोस्तों, बार बार मैं कहती हूँ, आप लोग भी उगाइए। कई जो हमारे परिचित हैं वो फूल तो उगाते हैं लेकिन वेजिटेबल नहीं उगाते हैं। तो दोस्तों, फूल के साथ साथ थोड़ा सा वेजिटेबल भी उगाइए, फिर आपको धीरे धीरे वेजिटेबल की तरफ भी आपका शौक जागेगा। जब इसका टेस्ट आपको मिलेगा, धनिया गिर गई, अभी पानी डाला तो उधर को चली गई, कोई बात नहीं, वो ठीक हो जाएगी। ये हमारी मास्टर भाजी है, ये कलम और बीज दोनों से उगती है। हिबिस्कस है, बढ़िया पत्तियां आ रही हैं। पत्ती आने के साथ साथ इसमें फूल भी आना शुरू हो जाएगा। बैंगन भी हमारे बहुत अच्छे लग रहे हैं, लाल भाजी भी खाने लायक हो गई है और हमारी मिर्चियां भी। दोस्तों, आपकी उम्मीद से भी जल्दी सब्जियां तैयार होंगी। आप एक बार कोशिश तो करिए। आप सोचेंगे बहुत टाइम लगता होगा, कतई नहीं। आप 1 महीने में पालक को हार्वेस्ट कर सकते हैं। और फिर एक बार पालक उगाइए और आप 6 महीना पालक को खाते रहिए, कुछ नहीं होगा उसको। बस उसमें थोड़ी सी खाद पानी डालते रहिए टाइम टाइम से, और वो आपको देता रहेगा। देखिए इधर भी कितने सुंदर इसमें पत्तियां आ रही हैं बोगनवेलिया में। और हमारा मुनगा दोस्तों देखिए कैसे अब कुछ टाइम में खाने लायक तैयार हो जाएगा। इसकी बढ़िया मैं बना लेती हूँ दोस्तों सीजन में, और इसके बाद उसको फिर हम साल भर खाते हैं। उसका टेस्ट तो रहता ही है, पौष्टिकता भी इसकी हमको मिलती रहती है मुनगा की। अगर आपको देखना होगा कि इसकी बड़ी कैसे बनती है, तो आप देख लेना, मेरे चैनल पे वीडियो डाला हुआ है। और दोस्तों, इसको मैं नहीं उखाड़ पा रही हूँ। ये है हमारा जिमीकंद, तो इसको मैं उखाड़ नहीं पा रही हूँ क्योंकि मेरे पास का ये नहीं है। किसी को बुलाऊंगी तभी हो पाएगा। और ये हमारा अदरक है, कैसा हुआ है, एकदम इसमें दिखता नहीं है कुछ नीचे का, इतना घना हुआ है देखिए, ये अदरक है दोस्तों। दोस्तों, बैंगन भी बहुत आसानी से तैयार होने वाला वेजिटेबल है। एक बार आप उगाइए, साल भर इसको खाते रहिए, ये आपको फ्रूटिंग देते रहेगा। इसकी ये सीड से तैयार होता है।
सीड्स अगर आप लाते हैं मार्केट से तो सीड्स 20 से 25 दिन में आपको इसका पौधा तैयार हो जाएगा उगाने के लिए, और पौधा लगाने के एक महीने बाद ही आपको फ्रूटिंग देना शुरू कर देगा। तो इस तरह से बैंगन भी आप आराम से लगा सकते हैं, मिर्चियों का भी यही है, मिर्ची भी सीड्स से तैयार होती है और 20 से 25 दिन में इसके पौधे तैयार हो जाते हैं, और फिर ये फ्रूटिंग जो एक बार फ्रूटिंग करेगा आपको साल भर इसकी फ्रूटिंग मिलती रहेगी। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। ये देखिए साल भर पहले का पौधा है और किस तरह से ये फ्रूटिंग कर रहा है, लगातार कर रहा है और ढेर सारी कर रहा है। देखिए हम तोड़ते जाते हैं और ये फ्रूटिंग करता जाता है। ये ब्रोकली है दोस्तों, ये एक ही बार होती है। हाँ, कई बार अगर हम ब्रोकली को तोड़ लें तो फिर उसके साइड से भी ब्रोकली निकलती है, तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ। तो ये ब्रोकली है और ये भी 40 दिन में ये ब्रोकली मिल जाती है हमको हार्वेस्ट करने के लिए। बाकी कुंदरू तो ऐसा है कि एक बार आप लगा दीजिए फिर इसको आप हटा नहीं पाएंगे, ये बस होता रहेगा, आप खाते रहिए। इसको दोस्तों हटाना है, बस मैं हटा नहीं पा रही हूँ, इतनी ज्यादा व्यस्तता हो जाती है कभी कभी हमें, हल्दी के लिए मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। हमारे टमाटर बहुत अच्छे हो रहे हैं और सेम भी हमारी बहुत अच्छी हो रही है, हम जितना तोड़ते हैं ना उतने इसमें फ्रूटिंग और ये फूल दे। ये हमारे चना भाजी नीचे तरफ भी लगी है, यहाँ भी तोड़ने लायक है लेकिन मैं तोड़ नहीं पा रही हूँ। और ये बैगन देखिए, इसको क्या नाम इसका बोलते हैं मैं भूल रही हूँ, बहुत अच्छा हो रहा है ये बैगन। और ये देखिए हमारी बोगनवेलिया, अब भी हमने लगाया एक महीने पहले और किस तरह से इसमें फूल आने शुरू हो गए हैं। तो दोस्तों कलम से बहुत आसानी से बोगनवेलिया लगाया जा सकता है, आप 10-12 कलम लगाइए जो भी आपको पसंद हो। अगर 2-3 नहीं लगेगी किसी कारणवश तो बाकी तो सारे के सारे लग जाएंगे। पालक भी हमारे बहुत अच्छे हैं, इसको भी दोस्तों मैं नहीं तोड़ पा रही हूँ, ये कर्मता भाजी है। और ये देखिए हमारा हैवेस का छोटा सा चुटकू सा कितना सुंदर खिलता है, अब ये लगातार हमको फूल देता रहेगा, ढेर सारी उसमें कलियाँ आई हुई हैं। ये हमारी धनिया है, मैं इसको लेकर घूम रही हूँ, मैं क्या तोड़ूंगी क्या नहीं अभी कुछ डिसाइड नहीं है। ये देखिए गांठ गोभी कितनी जल्दी दोस्तों तैयार हो गई, अभी कुछ कुछ को मैं हार्वेस्ट करना शुरू कर दूंगी 1-2 दिन में, बाकी जो रहेंगे उनको अच्छी जगह मिल जाएगी तो और अच्छे से ग्रो करेंगे। भिंडी हमारी हार्वेस्ट के लिए तैयार है, जबकि भिंडी मैं तोड़ते रहती हूँ तो इसको भी तोड़ना है दोस्तों। अब देखिए मैं क्या तोड़ती हूँ, थोड़ा जल्दी भी है, नीचे जाऊंगी मैं। ये देखिए धनिया कितनी सुंदर है। तो दोस्तों धनिया भी आप एक बार उगाइए और पूरा 6 महीने तक खाते रहिए, बस इसको तोड़ते जाइए खाते जाइए, तोड़ते जाइए खाते जाइए। प्याज भाजी भी बहुत आसानी से उगने वाला, इसको सीड्स से भी उगाते हैं और ऐसे भी उगाते हैं दोस्तों, मतलब आप छोटे छोटे प्याज से भी उगा सकते हैं। एक बार उगाइए और इसको काट काट कर खाते जाइए, इसमें ऐसे पत्ते नए नए निकलते रहेंगे दोस्तों। ये चना है जो अंकुरण हो रहा है, मैंने उगाया है इसको, और भी उगाया है लेकिन थोड़ा मतलब कि कभी इस कंटेनर का तोड़ लिए कभी उस कंटेनर का, इसलिए चना और भी उगाया है। ये दोस्तों मूली है जो कि खाली होने वाली है कंटेनर, अच्छी बड़ी बड़ी मूली हुई है लेकिन मेरे को टाइम नहीं है, मैं भागूंगी अभी अंदर। देखिए दोस्तों टमाटर तो हमने देखा ही नहीं, टमाटर हमारे पकने शुरू हो गए हैं देखिए। तो इस तरह से हमारा ये बगिया है खूबसूरत लहलहाता हुआ। ओ वाह, लौकी कितनी सुंदर हो रही है दोस्तों, आइए चलते हैं आपको दिखाते हूँ कचड़े के डब्बे में ये लौकी जो है, ये देखिए कितनी बढ़िया हो रही है, देखने में ही कितनी सुंदर लग रही है। तो दोस्तों इसमें भी फूल आने लगे हैं देखिए, और पहले फूल आएंगे इसके बाद फल वाले आएंगे, मेल फीमेल दो तरह के होते हैं। ये देखिए हमारा ये भी बहुत अच्छा हो रहा है, ये इसमें डोरमेंसी का उतना असर मुझे नहीं दिख रहा है लेकिन जो बड़े बड़े हैं ना वो डोरमेंसी में चले जाते हैं। देखिए ये जो अडेनियम है ना इनका डोरमेंसी पीरियड है, देखिए। बाकी धनिया वगैरह सब अच्छी हो रही है, थोड़ी आज जल्दी में हूँ, ज़्यादा कुछ दिखाऊंगी नहीं मैं। देखिए इनमें अंकुरण भी हो रहा है जो कट किए थे, इसको भी हमने 2-3 दिन से नहीं देखा लेकिन अभी ये फटा नहीं है, मतलब ये पका नहीं है। और बाकी ये हमारे अडेनियम बड़े अच्छे हो रहे हैं, थोड़ा सा इनको देखना रहता है कि कौन सा जड़ से बाहर आ गया है तो उसको जड़ में घुसाना रहता है, नहीं तो ये बाहर निकल के खराब हो जाएंगे। बच्चे जब पानी डालते हैं ना तो ये उखड़ जाते हैं, देखिए कितने सुंदर हो रहे हैं ना।
दोस्तों अभी देखिए लेट नहीं हुआ है, 5:40 हो रहे होंगे और अंधेरा हो गया, तो मैं आपको फूल नहीं दिखा पाती, तो आज मैंने रात में शूट किया, मतलब शाम को। कितने सुंदर सुंदर फूल खिले हैं, आपको मैं आज दिखा के ही मानूंगी। ये देखिए दोस्तों इसका कलर देखिए, ये बहुत ही प्यारा है, बहुत ही सुंदर है। ये कहीं पर खराब हो रहा था और एकदम से इसकी डालें पूरी सूख गई थी, बस मरने वाला था, फिर इसको मैंने रिपोर्ट कर दिया साफ सफाई करके। तो आप देखिए कैसे इसमें कलियां भी आ रही हैं और कलर तो आप देखिए कितना प्यारा आया है। दोस्तों हल्का सा अंधेरा हो गया है, लेकिन मुझे आज आपको दिखाना था इसको। कितना बढ़िया, कितनी सारी कलियां लगी हुई हैं। दोस्तों हम तोड़ेंगे थोड़ी सी मिर्ची अपनी ज़रूरत के लिए, क्योंकि मेरे को टाइम नहीं है मिर्ची तोड़ने का अभी, तो अपनी ज़रूरत के लिए तोड़ेंगे, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगेगा। गजब हो गया, मिर्ची ही नहीं तोड़ पा रहे, पौधे में सूख जा रही है। देखिए सिर्फ अपनी ज़रूरत के लिए फूल भी टूट गया, बेचे आ रहे हैं। तो दोस्तों हमारी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे बहुत मोटिवेट कर रहे हैं, मेरी वीडियो में कमेंट्स कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, आपको जानकारी भी चाहिए, आप मुझे से कई सवाल भी कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जहाँ तक संभव हो रहा मैं आपके सवाल का जवाब भी दे रही हूँ। तो दोस्तों इसी तरह से कोशिश करते रहिए, जब अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो हमसे जरूर पूछिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।